तो और भाई लोग और इसकी बहन लोग, क्या हालचाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में, पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। और ये गेम प्ले भाई साहब एकदम तबाही होने वाला है, कसम से बोल रहा हूँ। पहला गेम प्ले है, बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ और भाई साहब एकदम तबाही गेम प्ले है। और बहुत दिन से मैं सुन रहा था यार तुम नूब हो, ये हो वो हो, मतलब इतने ज़्यादा लाइव में कॉमेंट आते हैं ना भाई साहब, ये चीज़ों से परेशान हो चुका था। तो मैं देखो वहाँ पर क्या होता है, लाइव में पिंग हाई हो जाता है, कभी ये चीज़ें हो जाती है, कभी वो चीज़ें, लेकिन बहुत लोग ऐसा समझते हैं और बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो उनको दिल से शुक्रिया यार। और देखो यार लौंडा, मैं खेलना भूल गया हूँ लेकिन हाँ जज्बा नहीं भूला हूँ। तो टेंशन ना लो, पबजी इंडिया जिस दिन से आ जाएगा उस दिन से प्रैक्टिस डबल हो जाएगी और भाई साहब कुत्ते की तरह मारूंगा तुम लोगों को, तो कसम से बोल रहा हूँ, टेंशन ना लो। और गेम प्ले लाइव सब कुछ होगा तो मज़ा दुगना होने वाला है इस चैनल पे। तो चैनल पे नए होगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब अभी से और वीडियो को कर देना शेयर। लाइक करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ शेयर जरूर कर देना सारे लौंडों के साथ, लौंडियों के साथ जरूर कर देना, ताकि कुछ लौंडियाँ आ जाए और घबराहट वाली लौंडिया नहीं, एकदम सही लौंडिया आ जाए। तो बिना बकचोदी के शुरू करते हैं इस गेम प्ले को। और उसी के साथ मैं उतर जाता हूँ मिलिट्री बेस में, क्योंकि पहला हॉट ड्रॉप यही था भाई साहब। और उतरते के साथ मुझे मिल जाता शॉटगन और बैरल भाई साहब, तो देखो तबाही डबल होने वाली है क्योंकि किस्मत भी अच्छी है आज, तो लौंडे भी मिल जाते हैं साथ में। चलो फेल के आते हैं उनको। और ये दोनों लौंडे अलग अलग टीम के थे और भाई साहब अकेले इतिहास रचने को निकले थे और इनका ही इतिहास बन चुका है। तो भाई साहब इन दोनों को पेलने के बाद मैं जितनी भी सस्ती महंगी लूट होती है उनको लूट के एक बॉट मिलता है, उसको पेलने के बाद सीधा निकलता हूं मैं मिलिट्री बेस के सी बिल्डिंग की तरफ। और मैं जैसे यहाँ पहुँचता हूँ मुझे पता चलता है कि दोनों ही बिल्डिंग में बंदे हैं। अब भाई साहब कितने बंदे हैं किस किस बिल्डिंग में मुझे ये नहीं पता है, तो मैं एक नेट खींच के फेंकने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर है बंदा, तो भाई साहब मैं ऊपर फेंकता हूँ लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है, तो मैं यहाँ वेट करता हूँ, एक दो सेकेंड वेट करता हूँ, लेकिन एक बंदा निकल के बाहर आता है और इसको जैसे ही मारता हूँ मुझे पता चलता है सामने दरवाजे पे ही दूसरा लौंडा है। तो भाई साहब एक नेट खींचता हूँ और एग्जैक्टली दरवाजे पे ही फेंकता हूँ, लेकिन तब तक मैं लौंडा भग चुका होता है। तो मैं सोचता हूँ सामने से जाऊँगा तो ठिल जाऊँगा, तो मैं फ्लैंक मारने की कोशिश करता हूँ, मतलब फ्लैंक मार के जाता हूँ घूम घुमा के, तो वहाँ पहुँचता हूँ जैसे, तो पता चलता है भाई साहब वो लौंडा है ना मेरे पे फ्लैंक कर लिया है, मतलब वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग शिफ्ट हो गया। तो भाई साहब देखो चलो बुलावा आया है, उस लौंडे को बुलाते हैं भाई साहब। और इसको तो भाई साहब किसी तरीके से जैसे तैसे पेल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको पेलने के बाद मुझे मिलिट्री बेस में कोई भी दूसरा बंदा नहीं नजर आता और भाई साहब कोई भी आवाज़ उवाज़ सुनाई नहीं देती। तो मैं बोलता हूँ निकलो यहाँ से, जोन भी आ चुका है, बग्गी उठाता हूँ सीधा निकलता हूँ जोन की तरफ। सामने मुझे एक फ्लेयर गन दिख गई थी और मैं बोलता हूँ फ्लेयर की तरफ चलते, तो यूएजी उठाता हूँ, गाड़ी चेंज करता हूँ और भाई साहब जैसे ही जाने की कोशिश करता हूँ सामने फ्लेयर की तरफ, तभी मुझे बॉट फायर सुनाई देता। तो मैं बोलता हूँ पहले तो बॉट का किल लेंगे, और जैसे ही बॉट के साथ स्कैम करने के लिए जाता हूँ मेरे साथ स्कैम हो जाता, तो देखो क्या होता है। अब उस बॉट को तो ये भाई साहब पेल चुके होते हैं और उस बॉट का बदला लेने के लिए मैं गाड़ी चढ़ाता हूँ इसके ऊपर, लेकिन लौंडा पता नहीं किस तरीके से बच जाता है और भाई साहब हमें ही पेलने की कोशिश करने लगता है। तो मैं किसी तरीके से गाड़ी रोकता हूँ, हवा में उड़ के एकदम भाई साहब कवर लेता हूँ और आराम से पेल देता हूँ इसको। अब इस लौंडे के चक्कर में तो फ्लेयर मेरे हाथ से निकल जाता है और भाई साहब मैं बंदे ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ, यहाँ से जाता हूँ पोचिंग की, पूरा घूम जाता हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन से गाड़ी उठा उठा के, जैसे बाप का गाड़ी इधर खदान लगा के रखा हो, सारी गाड़ी उठाता हूँ भाई साहब, सारे के पेट्रोल खत्म कर देता हूँ, घूम घूम के थक जाता हूँ। लास्ट में मेरे को एक ड्रॉप दिखता है, मैं बोलता हूँ ड्रॉप की तरफ चलता हूँ, कम से कम वहाँ तो बंदे मिलते हैं। भाई साहब कोई बंदे मिल ही नहीं रहे थे मेरे को, तो देखो फिर आगे बंदे मिलते हैं क्या होता है। देखो
अब यहाँ पे ऐसा होता है ना भाई साहब, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे एक राकेश नाम का लड़का था भाई साहब, वो किसी को पेला और उसको पेलने के बाद उसी के करेट के ऊपर बैठ के मतलब एकदम आराम से गोली सेट कर रहा है, मतलब कि हाँ आगे की प्लानिंग कर रहा है कि आगे कैसे कैसे लॉन्डो को पेलूंगा, मतलब एकदम इस गन में 6x लगाऊंगा, इस गन में रेड डॉट लगाऊंगा। और भाई साहब कोई गाड़ी आती है और उसके सारे जज्बातों पर पानी फेर के चली जाती है, मतलब मेरी गाड़ी है तो हैशटैग है ना जस्टिस फॉर राकेश, पता नहीं हाँ दोषी मैं ही हूँ लेकिन हाँ जस्टिस होना चाहिए इस लॉन्डे के लिए। और उसका दूसरा पार्टनर उधर से पता नहीं कहीं से भगता भुगाता आता रहता है, तो भाई साहब वो भी पेला जाता है, मैं आराम से लेट के पेल लेता हूँ सांप बन के, तो खतरनाक वाला सांप मैं भी बन सकता हूँ। और गाइज ये सब देखने में मजा आया तो भाई साहब एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, और आगे बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है तो प्लीज यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो अभी से सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे वैसे ही आप आजाद फैमिली के साथ ऐड हो जाओगे, भाई साहब एक मेंबर बन जाओगे। और डिस्क्रिप्शन पे मेरे सोशल मीडिया का लिंक है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का, आप जहां पे भी अवेलेबल हो आप वहां पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भाई साहब वहां पे बहुत ज्यादा मजे करते रहता हूं तो वहां पे भी मुझे इंटरटेनमेंट के तौर पे ले सकते हो। तो भाई साहब और हमारा टारगेट है 4000 सब्सक्राइबर का जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना, तो ये गोल हमारा फटाफट पूरे कर दो यार इस साल के अंदर अंदर, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाओ। और चैनल पे नए होगे तो जो भी करना है कर दो यार, शेयर वेयर कर दो, अपने सारे दोस्तों को बुला के लाओ यार, बहुत सारे दोस्त बुला के लाए हैं और आप लोग भी अपने सारे दोस्तों को बुला के लाते हैं, क्योंकि अभी जो है ना तबाही शुरू होने वाली है भाई साहब, तो दोस्तों को बुला सकते हो तो बुला लो अभी। और मैं जैसे ही पहुंचता हूँ इस अपार्टमेंट के पास मुझे पता चलता है कि हर एक अपार्टमेंट में भाई साहब बंदे भरे पड़े हैं और मेरी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि मैं चारों तरफ से गिर चुका हूँ और मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तभी मुझे सामने दिखता है कि एक प्रेमी जोड़ा आपस में पता नहीं कुछ तो कर रहे हैं, भाई साहब मैं एक नेट निकालता हूँ और फेंक देता हूँ, और एक नेड से भाई साहब दो लौंडे ठिल गए एक बार में, भाई साहब गजब गजब, मतलब यहीं से गेम चेंज हो जाता है और मुझे समझ में आता है कि मतलब एक बिल्डिंग पूरी खाली हो चुकी है, अब दो बिल्डिंग में बंदे बचे हुए, तो भाई साहब देखो अब उसको पेलने जाता हूं तो क्या होता है। मतलब नशे देख रहे हो भाई साहब पबजी के, मतलब नशे देख लो, मतलब सामने लौंडा खड़ा होके ड्रॉप लूट रहा, मैं यहाँ से गोली चला रहा हूँ, मतलब बचने का उसका कोई चांस नहीं भाई साहब, दो बुलेट लग चुके हैं उसको, लेकिन पता नहीं वो जमीन में घुस जाता है, आसमान से निकलता है, पता नहीं क्या क्या होता है भाई साहब। और ये बंदा है ना मेरे को इतना परेशान करने वाला, लास्ट तक अभी बच गया ना लौंडा, मेरे को लास्ट तक परेशान करेगा देखना। और ये गिली सूट वाला लौंडा तो बच गया भाई साहब, तो मैं सोचा कि कहीं कोई रश ना कर दे मेरे ऊपर, तो मैं बूस्ट वूस्ट करके भैया तैयार रहता हूँ एकदम फाइट के लिए। और जैसे ही मैं बूस्ट कर रहा था तभी पीछे से एक बग्गी आती है जिसमें दो लौंडे सवार हैं भाई साहब, तो चलो फाइट लेते हैं उससे। पता है ये कांड होने के बाद भाई साहब वो पीछे जो बंदा बैठा हुआ था ना वो ड्राइवर को क्या बोल रहा होगा तो सुनो, भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े मच्छर की जाट गंडू मोटी चूत तेरी टक्टों के सौदागर। और मैं जैसे ही उधर से मार के आता हूँ पता चलता है कि एक लौंडा जो है ना ताका झाकी कर रहा है, दूसरों के घर में देखने की कोशिश कर रहा है। तो भाई साहब देखो अपने घर से मतलब रखो, दूसरों के बिल्डिंग में क्या हो रहा है, दूसरों के घर में क्या हो रहा है नहीं देखो, नहीं तो इसी तरीके से पेले जाओगे। तो भाई साहब ये आराम से पेला जाता है, और इसी बिल्डिंग में एक बंदा रहता है जो भाई साहब क्या करता है एक दूसरे बंदे को नॉक करता है, तो उसका भी किल चुराना पड़ेगा बाबा। तो देखो भाई साहब मतलब ये सच्चाई है कि देखो अपना किल करने में तो मजा है लेकिन दूसरों का किल चुराने में जो सेटिस्फेक्शन सा फील होता है ना, मतलब उससे ज्यादा मजा कुछ है ही नहीं। तो भाई साहब मैं इसका किल चुरा लेता हूँ, इसको भी मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे पास कोई नेड नहीं रहता और कोई एंगल सही नहीं मिल रहा है। तो भाई साहब मैं निकलता हूँ क्योंकि देखा हूँ मैं पिछले तरफ जो है ना जहाँ दो बग्गी में मारे थे और इस बिल्डिंग में दो बंदे नेड से मारा था, भाई साहब वो दोनों का मैं नेड लूटने के लिए जाता हूँ, क्योंकि किसी ना किसी के पास तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई साहब, क्योंकि मैं एकदम निहत्ता हो चुका हूँ अब। और मैं नेड वेड लूट के आता हूँ, उसके बाद मैं बहुत देर इंतजार करता हूँ कि कोई ना कोई लौंडा तो आएगा भाई साहब रश करने के लिए, लेकिन कोई भी बंदा तैयार ही नहीं होता रश करने के लिए, तो मैं बोलता हूँ ये जोखिम मैं ही उठाता हूँ और भाई साहब कूदने के प्रयास करता हूँ यहाँ से सीधा छलांग मार के अगली बिल्डिंग जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे देखा था मैंने कि कोई बंदा ऐसे छलांग लगा के पहुंच जाता है और मैं ना पहुंच पाया, मैं नीचे गिर गया धड़ाम से। तो मैं किसी तरीके से घर के अंदर घुसता हूँ और वो बंदा हड़बड़ा के वो भी नीचे कूद जाता है भाई साहब, फिर देखो लड़ाई होती है और किसी तरीके से क्या होता है। और इसको मैं जैसे ही मारता हूँ भाई साहब मेरे लेफ्ट साइड से ना फुटस्टेप आने लगती है, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि मैं जिस बिल्डिंग से आया हूँ उस बिल्डिंग में कोई बंदा दोबारा आ चुका है भाई साहब। तो मैं एकदम भगा दौड़ा जाता हूँ कि कौन है आखिर, और वो लौंडा है ना छिप के बैठ जाता, मतलब एक जगह बैठ जाता झाड़ियों में छिपके और मुझे पता नहीं होता है, तो देखो क्या होता है।
अब इस बंदे को तो मैं बहुत ही आसानी तरीके से मार देता हूँ, लेकिन अब बचा है सिर्फ एक बंदा, मैं और मेरा भाई, मतलब हाँ वही गिली सूट वाला लौंडा। तो भाई साहब मैं बोला था ना वो लास्ट तक परेशान करेगा मेरे को, तो भाई साहब अब मेरे ऊपर रश कर रहा है वो, तो देखो भाई साहब चलते हैं उसके साथ लड़ने के लिए। और इसी के साथ एक बेहतरीन चिकन डिनर। तो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके का मज़ेदार वीडियो या फिर मैं लाइव करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो आप फटाफट से मज़ा लेने के लिए आ सको। और भाई साहब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे दो चैनल का और भी लिंक है, मतलब मेरे ब्लॉग चैनल का और प्लस एक रोस्टिंग चैनल का, जो भी आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हो, मतलब नए चैनल को जाके उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और प्लीज़ गाइज बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।